गुड मॉर्निंग क्लास फाइव। सो क्लास फाइव, आई होप आपको ये सब नंबर्स समझ में आ गए हैं कि हमें कैसे पढ़ने हैं और फिगर्स में लिखना क्या होता है। देन यू नो हाउ टू कंप्लीट अ पैटर्न। सो यहां तक हमने सब क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्लास क्वेश्चन सिक्स तक हमने किया था लास्ट टाइम। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन एंड बिफोर दैट वी पुट द डेट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन हमें बुक में नहीं कर सकते हैं, हम कॉपी में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेवन सेज रोहन को बोला, रोहन जैसे आप जैसे क्लास फाइव में पढ़ रहे हो वैसे एक बच्चा है, उसको पूछा है कि बेटा लिखो, राइट द नंबर 7,05,07,405। ये नंबर है, इसको लिखना है। उसने लिखा ये, तो आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो लिखो करेक्ट नंबर। तो लेट्स चेक। सो हमारा नंबर है बेटा 7,05,07,405। अब बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमारे जो नंबर्स होते हैं ना उसमें थ्री नंबर्स तो होते हैं हंड्रेड्स वाले, उसके बाद दो नंबर होते हैं थाउजेंड्स वाले, उसके बाद दो नंबर होते हैं लैक्स वाले, और उसके बाद दो नंबर होते हैं करोड़ वाले, राइट? और उनमें कैसे होता है, इसमें तीन नंबर्स होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। इसमें होता है थाउजेंड और टेन थाउजेंड, तो इसलिए इसको वही बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाख और टेन लाख, और ये होता है करोड़ और टेन करोड़। ओके, सो हर एक में ऐसे होता है। अगर आगे भी बढ़ेंगे हम तो दो और आएंगे, अरब एंड टेन अरब। सो नाउ हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, सेवन करोड़। सेवन करोड़ मतलब इसमें करोड़ का टेन करोड़ वाला नहीं है, फाइव लाख, लाख में भी टेन लाख वाला नहीं है, तो हम जीरो लगाएंगे उसकी जगह। ये हम थोड़ा सा क्विकली करने के लिए मैं आपको बता रही हूं। देन थाउजेंड जो है वो सेवन थाउजेंड है, सेवेंटी थाउजेंड नहीं है, तो यहां पे भी जीरो आएगा टेन थाउजेंड वाली जगह पे। एंड उसके बाद लिखा है 405, तो 405 ये यहां वाले में आ जाएगा, राइट? अब हमारा नंबर जो है वो क्या बन रहा है, यहां पर हम लिखकर देखेंगे, अभी लिखेंगे। तो उसने लिखा है दिस, अब हमें चेक करना है क्या ये करेक्ट है, इफ नॉट राइट द करेक्ट नंबर। अब देखो इस नंबर को हम पढ़ के देखते हैं, 3,221 ही बचा यहां पर, 7,50,70,405। क्या हमारा 70,000 है, क्या हमारा 50 लाख है? नो, हमें नंबर जो दिया है इस बच्चे ने गलत करा है इसको। सो पहले आप लिखेंगे रोहन हैज रिटन the number incorrectly, उसने ठीक से नहीं लिखा है, the number which he wrote is incorrect, ठीक है? So ये answer हमारा है, Rohan has written the number incorrectly। अब now उन्होंने बोला if not write the correct answer, तो answer क्या है? Yes बच्चों, आप बता सकते हो मुझे, यहां पे हम करोड़ का भी बनाएंगे। So the answer is 7,10,00,000 की जगह हम जीरो लगाएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, 5 लाख, क्योंकि 10 लाख के लिए होना चाहिए टी वाई, 50, 30, 20, 60 ऐसा कुछ होना चाहिए लाख में। नाउ थाउजेंड, ऐसा कुछ थाउजेंड में भी नहीं है, तो 07,705। तो बेटा अब इसको आप जोड़कर नंबर बनाएंगे, 7,05,07,405। देखो अब हमारा और उसका अलग है या नहीं, यस हमारे में 70, यहां पे 75, तो इसका नंबर जो है वो क्या बन गया है, 7,50,00,000, जबकि हमें बोला था 5 लाख है, तो ये तो गलत है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर्स हैव 6 डिजिट्स। तो बच्चों आप बताओ कितने नंबर होंगे जिनके 6 डिजिट्स होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमारा सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इससे छोटा 5 डिजिट हो जाएगा, राइट? अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, नाउ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट लिखो, 9,99,999। ओके, सो अब बेटा अगर हम इसमें से
ये माइनस कर दें, ग्रेटेस्ट वाले में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दें, माइनस स्मॉलेस्ट, तो ये हमें जो नंबर मिलेगा ये हमारे सारे 6 डिजिट नंबर्स हैं सारे, लेकिन एक डिजिट कम हो गया है, दैट इज ये वाला 1 लाख। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ उसका हम क्या करेंगे। हमारा ये है नंबर 8999999, इतने नंबर 6 डिजिट नंबर्स हैं। नाउ इसके अंदर आपको ये वाला नंबर भी ऐड करना है, वन मोर, 8999999 प्लस 1 जो हमने माइनस कर दिया ये वाला, तो हमारे पास आ जाता है 9 लाख। इतने नंबर्स, 9 ये 0 हुआ, कैरी हुआ, सी हाँ मैंने गलती से लिख दिया, ये एक ऐड करना है हमें 1 जो हमने ये वाला कर दिया था, सो 0 फिर ये कैरी 0, ऐसे करके 9 लाख बन गया। सो 9 लाख नंबर्स आर 6 डिजिट नंबर्स, 9 लाख नंबर्स हैं जो 6 डिजिट हैं। नाउ 8 डिजिट का बताओ कैसे करेंगे हम, सेम वे, पहले लिखिए स्मॉलेस्ट, या एक और तरीका है करने का, आप क्या करिए ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, क्योंकि उसके बाद तो 8 डिजिट शुरू हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर ले लीजिए, 7 डिजिट में 9999999 कितनी बार 9 आएगा, 7 टाइम्स, और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट ले लीजिए, क्योंकि अगर उसके बाद हम लिखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, इसमें अब हम 8 9 लगाएंगे। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट तो हमें मिलेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर 8 डिजिट नंबर्स, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 7, चलो माइनस करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 9, सो 9 करोड़। देखो 1000, ये 100 का हो गया, ये 1000 का हो गया, ये लाख का हो गया, सो 9 करोड़ नंबर्स आर 8 डिजिट नंबर्स। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए हम बुक में करेंगे तो हमें पेंसिल चाहिए। फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट न्यूमरल, ये हमारा एक नंबर है, इसको हमने इसमें फिल करना है। ठीक है, सो देखते हैं, ये है 100, ये है 1000, ये है लाख, 100 1000 लाख, सो लेट्स स्टार्ट इट, 80 लाख, 80 लिख दिया इन्होंने, ठीक है, 70,000 70,000 एंड 2000s, ये 10 लाख मतलब 10 लाख्स, 8 10 लाख्स हैं, फिर लाख कोई है ही नहीं, फिर 70,000 है, 7 10,000 है, देन 2000 है, 900 है, 300 10s है, 3 10s है एंड 5 1s है। नेक्स्ट वन, अब इसका आप खुद करिएगे, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इनिशिएट कर देती हूं, देखिए 3 2 2 एंड ये, सो 3 करोड़, ये करोड़ वाला है, देन लाख वाले में क्या है, 0 है, 0 लाख्स, फिर थाउजेंड्स में 10,000 कुछ नहीं है, 5,000 है वो लिखा हुआ है, 200 10 0 है, अब यहां पे क्या आएगा बताओ। ठीक है, नाउ मैच द नंबर विद इट्स नंबर नेम, यहां पे एक नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर नेम्स भी लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है, तो पहले हम एक एक से शुरू करेंगे, फर्स्ट वन, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ तो ये 3 है, इनमें से कौन सा होगा, लेट्स चेक द नेक्स्ट, 5 करोड़, 13 लैक्स, 13 लैख, सो दिस वन इज ए। नेक्स्ट वन, ये 3 कर दिया हमने, ये 2, ये 2, सो ये लैक्स वाली स्पेस है, 51 लैख, 51, ओ ये रहा पास में ही है। नाउ ये दोनों आप करेंगे खुद,
ओके बच्चे दिस इज योर होमवर्क, आपको ये भी मैच करने हैं और ये बुक में ही कर लेना आप, बस बहुत ध्यान से नंबर को पहले रीड करिए तो आपको नंबर नेम मिल जाएगा, सामने ही लिखे हुए हैं, ठीक है? ओके बच्चों।